वही छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। बता दें कि पहले चरण का चुनाव बस्तर में है, तो वहीं दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में होगा। इसके तहत ही जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि 27 और 28 अप्रैल को निर्वाचन आयोग द्वारा पीठासीन अधिकारियों को 2 दिवसीय ट्रेनिंग आयोजित की गई है, जिसमें कर्मचारी क्रमांक 1 पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में खुज्जी, डोंगरगढ़ और राजनांदगांव में 4 विधानसभा के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। अभी लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में पोलिंग पर्सनल की ये प्रथम ट्रेनिंग जो है आज 27 को और कल 28 को 2 दिनों में यहाँ पे दी जाएगी, और अलग अलग कमरों में छोटा छोटा बेंच बना करके दी जा रही है, प्रोजेक्टर के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ट्रेनिंग में इलेक्शन रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को जो करनी है, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है।